नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं रूबी नेगी। और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड डे न्यूज की जो सबसे ताजा खबर आ रही है वो है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच जारी कहासुनी के कारण राज्य में सरकार बनने की तस्वीरें साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने भाजपा को लेकर कहा कि अगर दोनों पार्टियों के बीच जो बातचीत हुई थी उसको माना जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। हालांकि बीजेपी की सरकार बनाने से इनकार करने के बाद राज्यपाल ने शिवसेना को आज शाम 7:30 बजे तक सरकार बनाने का दावा पेश करने का वक्त दिया है। महाराष्ट्र में सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि भाजपा और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर अभी तक कहासुनी जारी है। इसी बीच शिवसेना के कोटे से केंद्र सरकार में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री का पदभार संभालने वाले अरविंद सावंत ने पद से इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए ट्वीट कर कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार गठन को लेकर एक फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन अब इस फॉर्मूले को मना किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने झूठ के जरिए महाराष्ट्र में काफी प्रगति की है, लेकिन शिवसेना हमेशा सच के साथ खड़ी होती है। अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एहतियातन इन जजों की सुरक्षा में अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले का फैसला सुनाने वाली पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से 18 नवंबर तक चलेगी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि इसके साथ ही सोमवार से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस ने अक्टूबर में कुल 3.70 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसमें 70 लाख रुपए यानी करीब 20% का मुनाफा हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली लखनऊ के बीच 5 से 28 अक्टूबर के दौरान इस ट्रेन को 21 दिन चलाया गया और इस पर प्रतिदिन 14 लाख रुपए लागत आई, तो वहीं 17.5 लाख रुपए की कमाई सवारियों से हुई। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर जारी कहासुनी के कारण सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के गठन पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और यही हमारा फैसला है। हालांकि हम हाई कमान से निर्देश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। सिख धर्म गुरु गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व से एक दिन पहले ही जश्न की तैयारियां जोरों पर है। प्रकाश पर्व से एक दिन पहले ही पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के फूलों से सजावट की गई। आपको बता दें कि मंदिर की सजावट 85 तरह के अलग अलग फूलों से की गई है और स्वर्ण मंदिर की सुंदरता देखते ही बन रही है। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने 24 घंटे के मेगा शॉपिंग सिंगल डे सेल के पहले 1.5 घंटे में 1.15 लाख करोड़ रुपए का सामान बेच दिया है। वहीं कंपनी का दावा है कि सिंगल डे सेल के पहले 9 घंटे में उसने कुल 1.60 लाख करोड़ रुपए की बिक्री की है। हिमाचल की चोटियों में 3 दिन तक भारी बर्फबारी के बाद लाहौल के मुख्यालय केलांग का पारा पहली बार -7 डिग्री तक लुढ़क गया है। इसके अलावा चोटियों पर पारा -15 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे जनजातीय जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 2 हफ्ते से अधिक का समय बीत गया है, पर राज्य में सरकार अभी तक नहीं बन पाई है। इसी बीच कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने आज कहा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही निरुपम ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में 2020 में शुरुआती चुनाव संभावित है। यूपी में बिजली विभाग ने बड़े बकायेदारों को किश्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी है, जिसके लिए आसान किश्त योजना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस योजना से उपभोक्ता किश्तों में अपने बकाया बिल का भुगतान कर सकेंगे और यह योजना 30 नवंबर तक चलेगी। एक और जहां आज पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं डीजल 6 से 7 पैसे सस्ता हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 15 से 16 पैसे की बढ़ोतरी हो जाने के कारण राजधानी दिल्ली में आज प्रति लीटर 73.20 का मिल रहा है, तो वहीं डीजल आज दिल्ली में 65.85 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध है।
राजधानी दिल्ली में आज और कल यानी कि 12 नवंबर को ऑड इवन योजना लागू नहीं होगी। दरअसल श्री गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसे देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यह फैसला किया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य आईएएस अधिकारी एसोसिएशन से कहा कि यहां के महंगे आवासीय इलाके में बने दो बंगलों का लंबित चल रहा 34 लाख किराया चुकाया जाए या फिर इन्हें खाली करने को तैयार रहे। आपको बता दें कि यह जानकारी इस मामले में दायर आरटीआई के जवाब में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने के बाद से अब वहां भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी है। इसके लिए शीर्ष कोर्ट से केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है, जबकि मंदिर बनाने के लिए काफी लोग बड़ी धनराशि देने की घोषणा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के महावीर सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तावित शासकीय न्याय को 10 करोड़ रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि यह जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल द्वारा दी गई है। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल कैबिनेट की सूची पर भाजपा हाईकमान की मुहर लग गई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक उथल पुथल और अयोध्या फैसले के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से 5 दिन के इंतजार के बाद मुलाकात हुई। आपको बता दें कि शाह के निवास पर इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारी जेपी नड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनीज जैन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला सहित प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट भी मौजूद थे। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा, मैंने वर्ष 2019 में अयोध्या में मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी की थी जो अब सत्य साबित हो रही है। उस वक्त कुछ लोगों ने मेरी बातों का मजाक उड़ाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में सभी वर्गों के हितों का पूरा ध्यान रखा है। छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना यह दावा फिर दोहराया कि किसानों का धान हर साल में 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। साथ ही सीएम ने कहा कि इसके लिए कोई हमें सहयोग करे अथवा ना करे, लेकिन हम किसानों से किया वादा जरूर निभाएंगे और प्रति क्विंटल 2500 रुपए के हिसाब से खरीदी करते हुए किसानों की जेब में इतना रुपया डालेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आगामी शिक्षा सत्र से यह व्यवस्था सख्ती से लागू की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम है, इससे पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में तैनात होमगार्ड्स को प्रदेश में अब 600 रुपए मानदेय देने की तैयारी चल रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के क्रम में यह कदम उठाया जा रहा है। हालांकि अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश के भांति अलग से डीए दिया जाएगा या नहीं। तो ये थी मिड्डे की ताजा खबरें, और ऐसी ही ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।